सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है भड़काऊ बयानबाजी से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान। एक मिनट रुकना, जस्टिस के एम जोसेफ ने कहा है कि टीवी भड़काऊ बयानबाजी का प्लेटफॉर्म बन गया है, एंकर की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि बहस में कोई भड़काऊ बात न हो, वो कुछ गलत करेंगे तो उसका नतीजा भुगतान होगा। प्रेस की आजादी अहमियत रखती है। रुक जाइए, समझ गया मैं। अब आप लोग क्या बोलेंगे इस पर, ये सवाल मेरा आप लोगों से, सब लोगों से, आपके टीवी के एंकर क्या बोलेंगे? अब बोलो आशीष, बोलो प्रसाद साहब, बोलो सोमित, बोलो अनेरी, बोलो आप, बोलो आपके एंकर को पढ़ के सुनाइए, ज्ञान दीजिए अपने अपने एंकरों को, इस तरह भड़काऊ बातें मत करो एंकर में बैठकर एज एंकर। या अगर किसी पागल को या पागल बेवकूफ को बिठाते हैं तो उसको बोलने मत दो इस तरह से। ये तो एंकरों पर इनको सब तो बोलते हैं सर, भड़काऊ बोलते। अरे वो तो छोड़ दीजिए, वो सबसे ज्यादा नहीं नहीं, वो दो मैं तो सबसे बदनाम मैं हूं, मगर यहां पर टीवी एंकर पर कहा गया है आपको अपने एंकरों को ज्ञान देना पड़ेगा। सोमित अपने एंकरों को ज्ञान दो, अनेरी बोलो 9 बजे ऐसा मत करो, थोड़ा ठंडे हो जाओ, बीपी कम करो, ये बोल रहे हैं ना। आप ही बोलिए प्रसाद साहब अपने एंकर को, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं।